वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, हाय, आई एम मीनाक्षी एंड यू आर वाचिंग स्टे ब्यूटीफुल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपने घर पे अपना खुद का क्लीनअप स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं सिर्फ एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज करके। नाउ द ब्रांड दैट आई एम गोइंग टू यूज इन टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी हिमालया, बिकॉज आई फील के काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट्स होते हैं और मैक्सिमम लोगों की स्किन टाइप्स को ये सूट भी करते हैं। बट आपकी खुद की कन्वीनियंस है, आपकी स्किन है, आपकी प्रायोरिटी है, आपकी पॉकेट है, जो ब्रांड आपको पसंद आए आप वो यूज करें। आप लोटस यूज कर सकते हैं, बायोटिक यूज कर सकते हैं, पतंजलि, वट एवर सिंपली दैट सूट्स योर स्किन, गो अहेड एंड यूज दैट। बट जो स्टेप्स मैं दिखाने वाली हूँ आप उनको खुद से ट्राई कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं लगाया है इस वीडियो के लिए, दैट्स बिकॉज मुझे आपको अपने ऊपर प्रैक्टिकली डेमो दे के दिखाना है कि मैं आज अपना क्लीनअप खुद कैसे कर रही हूँ, और आप एक बिफोर आफ्टर भी देख पाएंगे कि क्लीनअप करने से पहले और बाद में मेरी स्किन पे कितना फर्क आएगा। रेगुलर क्लीनअप करना हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है गाइज, तो मेक श्योर आप हर 15 से 20 दिन में एक बार अपना क्लीनअप खुद जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब इस तरह की और वीडियोस के लिए। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो जैसे देख सकते हैं आप मैंने अपने बालों को टाई कर लिया है। अगर आपको जरूरत है आप हेडबैंड भी लगा सकते हैं ताकि आपके बाल खराब ना हो। तो स्टेप नंबर 1 इज क्लेंजिंग। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो मेक श्योर आप जो हिमालया का बेबी ऑयल होता है वो यूज करें, एक कॉटन पैड पे लेके उसको अपने पूरे फेस पे डैब करके लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट में इसका फॉर्मूला मेकअप को ईजिली मेल्ट अवे कर देगा और फिर आप आसानी से उस मेकअप को निकाल पाएंगे। क्योंकि इस वक्त मैंने कोई मेकअप नहीं लगा रखा है तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज द ऑयल, इंस्टेड ऑफ दैट आई एम गोइंग टू यूज द क्लेंजिंग मिल्क बाय हिमालया। अब ये भी सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है, अल्कोहल फ्री है और काफ़ी हर्बल है, एंड दिस वन कम्स फॉर ओनली 95 रुपीज़। उसके बाद मैं कॉटन पैड ले रही हूँ, आप चाहते हैं तो आप कॉटन बॉल भी ले सकते हैं, और फिर थोड़ा सा क्लेंजर इस तरह से इस पर लूँगी और पूरे फेस पे इस तरह से पहले मैं इसे स्प्रेड कर लूँगी। मेक श्योर आप अपनी नेक को भी ज़रूर कवर कर रहे हैं। अगर कुछ ज़्यादा ग्रीजी और हैवी लगता है आपको आपका चेहरा तो इसको लगा के आप 2 मिनट छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप इसको क्लीन करिए। 2 बातों का ध्यान रखना है आपने, एक तो आपको हमेशा ये जो क्लीनिंग करनी है ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में करनी है, ऐसे डाउनवर्ड नहीं खींचना है, बहुत जेंटली आपको क्लीन करना है। और दूसरी चीज़, जब आप क्लीन करें मेक श्योर आप स्किन को बहुत ज़्यादा रब नहीं कर रहे हैं, बहुत खींच नहीं रहे हैं। अब बारी आती है फेस को वॉश या स्क्रब करने की। तो अगर आपको आदत है फेस वॉश फॉलोड बाय स्क्रब तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं क्लेंजिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू जंप ऑन टू द स्क्रब। सो द स्क्रब दैट आई एम गोइंग टू यूज टुडे इज हिमालया टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब। मेरे पास इसकी छोटी बॉटल है तो ये 70 रुपीज़ की आती है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड क्योंकि ये टैन रिमूवल स्क्रब है, इसमें ऑरेंज है, तो ऑरेंज हम सबको पता है कि स्किन के ब्लेमिशेज वगैरह को लाइट करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, और टैनिंग वगैरह भी बहुत इजीली निकालता है। फिंगर टिप्स को थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एंड मेक श्योर आप ये जब पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपके हाथ हमेशा पहले आपने अच्छे से धो लिए होने चाहिए, क्योंकि आपके फिंगर टिप्स में ही सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। एंड व्हाइल यू स्क्रब, बीच बीच में आपको जब ड्राई लगे तो आप पानी ऐड कर सकते हैं ऑफकोर्स, एंड स्क्रबिंग भी आपने काफ़ी जेंटली करनी है, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, आप अपनी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सैग कर लेंगे, इसलिए ये मत करिए। अगर आपके लिप्स को भी ज़रूरत है तो आप अपने लिप्स को भी स्क्रब कर सकते हैं। जब आप स्क्रब कर रहे हैं तो कुछ आपको एरियाज में फोकस करना है, स्पेशली अपने टी जोन पे। तो आपके अगर फोरहेड्स पे ब्लैकहेड है तो वहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। आपके ये जैसे ये वाला नोज वाला एरिया होता है यहाँ पे, और ये सेंटर वाले एरिया में भी ब्लैकहेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, तो यहाँ पर भी आप अच्छे से रब करिए। ऑल्सो ये लोअर लिप के जस्ट नीचे वाली जो स्किन होती है और ये चिन वाली, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से आपको स्क्रब करना है। स्क्रबिंग आपने बहुत देर नहीं करनी है, आई एम नॉट समबडी हु वुड से कि 10 मिनट करो 15 मिनट करो, मैं जनरली 2-3 मिनट ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए स्क्रब भी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट करें, और जो एरियाज मैंने बताए सिर्फ आप वहाँ पर फोकस करें, और उसके बाद इसको आप वॉश ऑफ कर लें। सो फेस को वॉश करने के बाद आप ऑलरेडी टच करके फील कर पाएंगे कि आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वाला एरिया है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है पहले के हिसाब से। एंड अब बारी आती है फेस पैक की। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिमालया हर्बल्स का नीम फेस पैक। मेरे पास बड़ी वाली ट्यूब है 200 ग्राम वाली, तो ये 170 रुपये की आती है। छोटी वाली ट्यूब भी इसमें 70-80 की आ जाती है, आप आराम से उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से
इसकी ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी होती है। इसमें आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। कई लोग फेस पैक्स को पूरा ड्राई होने तक रखते हैं, लाइक 15 या 20 मिनट। मैं उतनी देर नहीं रखती हूँ, करीब 10 मिनट से ज़्यादा कोई फेस पैक नहीं रखती हूँ। जब थोड़ा सा सेमी ड्राई होने लगे आपका पैक, उसी वक्त आप इसको वॉश ऑफ कर लीजिए। यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट टू बी कम्प्लीटली ड्राई, अदरवाइज वो स्किन को मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रेच करता है, अननेसेसरली स्किन काफ़ी खिंची खिंची और ड्राई हो जाती है। तो ये जब थोड़ा सा सेमी वेट हो जाए तब मैं इसे 10 मिनट के बाद वॉश ऑफ कर लूँगी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप स्पीकिंग। ओके, सो फेस वॉश हमारा हो गया है यहाँ पे। आप भी हमेशा इस तरह से टॉवल को पैट करते हुए ही अपनी स्किन को ड्राई करें, आप ऐसे रगड़े नहीं कभी भी। एंड इसके बाद बारी आती है टोनर की, तो मैं यूज़ कर रही हूँ रिफ्रेशिंग एंड क्लैरिफाइंग टोनर फ्रॉम हिमालयाज। अगेन इट्स अल्कोहल फ्री एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये वाला भी आई थिंक 90 या 95 रुपीज़ का आता है। तो मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स आपको ना 100 रुपये के अंदर मिल जाएंगे, 100 ml या उससे कम वाली क्वान्टिटी के। बड़े पैक्स ऑब्वियसली 100 से ऊपर जाएंगे। फिर मैं कॉटन पैड लेके उस पर कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ। टोनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप स्पेशली कहीं बाहर जा रहे हैं वो भी समर्स में, तब तो आप बिल्कुल ही इसको स्किप नहीं कर सकते। इस तरह से डैब करते करते आपको इसको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, हार्डली 15-20 सेकेंड भी नहीं लगते गाइज। मेक श्योर आप इसको नेक तक ले जा रहे हैं एंड टोनिंग इज कम्प्लीट। गाइज वंस द टोनिंग इज कम्प्लीट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मॉइस्चराइज द स्किन। ऑफकोर्स इसके लिए आप कोई भी आपकी पसंद का मॉइस्चराइजर या क्रीम जो आप जनरली लगाते हैं आप वो यूज़ कीजिए। क्योंकि मैं वन ब्रांड क्लीनअप शो कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको हिमालय के ही दो ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पे, बट इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। वन इज द बेबी क्रीम, दैट्स रियली गुड। तो अगर आप अपनी स्किन के लिए श्योर नहीं है कि ज़्यादा रफ एंड टफ है कि नहीं, तो बेबी क्रीम यूज़ कर लीजिए, या फिर बेबी क्रीम में ही आप एक ड्रॉप एलोवेरा जेल डाल के मिक्स करके भी लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है हिमालय की नरिशिंग स्किन क्रीम। अभी कोई बहुत ज्यादा एडवांस्ड क्रीम नहीं है, इट्स अ स्टैंडर्ड यू नो जनरल सी क्रीम है। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन है तो आप ये यूज कर सकते हैं, बट इसमें ऐसे कोई एडेड बेनिफिट्स नहीं है। सो द क्रीम इज सो सो, बट फॉर द हेक ऑफ द वीडियो आई एम जस्ट यूजिंग दैट। बट यू प्लीज गो अहेड एंड फील फ्री टू यूज वॉट एवर मॉइस्चराइजर यू वॉन्ट टू यूज। एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड इट इन टू माई स्किन। क्लीनअप के बाद कोई भी मॉइस्चराइजेशन करते हैं ना, तो मेक श्योर कि वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि क्लीनअप के दौरान हमने स्किन के पोर्स को काफ़ी खोल दिया था, तो अब अच्छे से वो सबको सील करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेवर फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स। सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग हिमालयाज लिप बम। ये वाला 30 रुपीज़ का आता है, छोटा सा है। इसका एप्लीकेटर ऐसा है तो आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, पर मुझे उतना हाइजेनिक नहीं लगता है तो मैं फिंगर से लगा के ही प्रेफर करती हूँ। So now that the cleanup is over, I finally opened my hair, and today I showed you how you can do step-by-step cleanup at home using just one brand products. I really hope you liked this video. If you did, then please hit that like button. And मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। Till then, take care and stay beautiful.